गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और उसमें भी यहाँ समय सूचक वाक्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे संबंधित बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। समय सूचक वाक्य ऐसे वाक्य से कार्य होने के समय का बोध होता है, यानी काम कब हुआ, हुए होगा या हो रहा है, एक टाइम दिया रहता है और उसमें हम लोग बात छोटी सी रहती है लेकिन सावधानी नहीं बरतने की वजह से वाक्य गलत हो जाता है। पर एक सभा है, इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत आपको सिखलाया गया था कि जब ऐसा वाक्य दिया गया हो जिसमें मुख्य क्रिया के स्थान पर है हाथ थी आया हो और उसका कर्ता ठीक उससे पहले सटा हुआ हो, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन देयर से बना और वह देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, वह इंट्रोडक्टरी देयर होता है, केवल परिचय कराने के लिए आता है। इस वाक्य को देखिए, कल एक सभा है इसमें मुख्य क्रिया है और सभा उसका सब्जेक्ट है जो ठीक इसके पहले आया है, इसलिए वाक्य का ट्रांसलेशन देयर से बना है। देयर इज ए मीटिंग टुमारो, देयर इज ए मीटिंग टुमारो, आज रात एक पार्टी है, यहाँ भी पार्टी है क्रिया हो गया और पार्टी उसका सब्जेक्ट हो गया, तो देयर इज ए पार्टी टू नाइट, आज रात टू नाइट। दोपहर में एक मैच है, देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून, देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून, शाम को प्रीति भोज है। देयर इज ए डिनर इन द इवनिंग, शाम को प्रीति भोज है। There is a dinner in the evening. Note, ऐसे वाक्यों का कर्ता अनिश्चित रहता है, ऐसे वाक्यों में जो कर्ता होता है वो अनिश्चित होता है। नोट, ऐसे वाक्यों का कर्ता अनिश्चित होता है। रूल्स बनेंगे कैसे, सबसे पहले देर और वर्ब बी के फॉर्म इज आर वाज वेर जो भी पास्ट टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, फ्यूचर में, जैसे हमारी जी को कहना कल एक सभा होगी तो देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, होगी के लिए देयर विल बी, तो बी के रूप में है और इनडेफिनिट नाउन अनिश्चित कर्ता, अनिश्चित कर्ता मतलब जैसे यहां दिया मैच पार्टी सभा, ये अनिश्चित कर्ता है। सब्जेक्ट वही बनेगा और एडवर्ब अथवा प्रीपोजिशन होगा, कोई एडवर्ब आएगा, जैसे यहाँ दिया है टुमारो एडवर्ब है और यहाँ प्रीपोजिशन है इन द इवनिंग, एडवर्ब प्रीपोजिशन शोइंग टाइम, समय दिखाने वाला कोई एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। अगला देखिए, ऐसे वाक्य जिनसे कार्य होने या करने के समय का बोध, ऐसे वाक्य जिनसे कोई कार्य करने या होने के समय का बोध होता है वह आज सुबह आई, सी केम दिस मॉर्निंग, देखिए वह आज सुबह में आई, में है लेकिन में की अंग्रेजी नहीं बनी है, सीधे सी केम दिस मॉर्निंग, वह सुबह में आई, देखिए वह आज सुबह में आई और यहाँ है वह सुबह में आई, आज की बात नहीं है, सी केम इन द मॉर्निंग, सी केम इन द मॉर्निंग, आज सुबह आई कि कल सुबह आई इसका कोई पता नहीं है, केवल सुबह में, तो इसलिए इन द मॉर्निंग सी केम इन द मॉर्निंग। तीसरा, वह आज शाम में लौटेगी तो सी विल रिटर्न दिस मॉर्निंग, आज शाम है तो दिस मॉर्निंग, सी विल रिटर्न दिस मॉर्निंग, वह सोमवार को आएगा तो ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा ही विल कम ऑन मंडे, वह 7 बजे आएगा ही विल कम एट 7 o'clock, He will come at 7 o'clock. वह सोमवार से लिखता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, वह सोमवार से लिखता रहा है, He has been writing since Monday. He has been writing since Monday. वह एक सप्ताह से लिखता रहा है, He has been writing for a week. He has been writing for a week. रोज डेफिनेट नाउन यानी या प्रोनाउन, निश्चित नाउन या प्रोनाउन होगा, राम श्याम ही दे इत्यादि,
सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके बाद आएगा जो भी क्रिया होगी, और उसके बाद एडवर्ब या प्रीपोजिशन शोइंग टाइम। ऐसे वाक्यों में ये समय सूचक शब्द आते हैं, यानी ऐसे वाक्यों के अंतर्गत समय सूचक शब्द इस प्रकार से आते हैं। जैसे पहला है आज सुबह में, आज सुबह में की अंग्रेजी होगी दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग नहीं दिस मॉर्निंग, आज शाम में दिस इवनिंग, और आज रात में तो टू नाइट। वहां ध्यान देने की जरूरत है कि सुबह में शाम में दोपहर में जब आपको लिखना है तब आप वहां लिख रहे हैं दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, लेकिन रात को लिखना होगा आज रात में तो टू नाइट। अगर मान लीजिए वह आज रात में आएगा तो ही विल कम ही एट टू नाइट, वह रात को आएगा। इसी सप्ताह में तो दिस वीक, इसी सप्ताह में दिस वीक, इसी महीने में दिस मंथ, इसी वर्ष में दिस ईयर, इसी जाड़े में दिस विंटर, इसी गर्मी में दिस समर, इसी बसंत में दिस स्प्रिंग, नॉट इन दिस विंटर, नॉट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसी जाड़े में, मतलब इसी जाड़े में वह आएगा तो ही विल कम दिस विंटर, इन दिस विंटर नहीं दिस विंटर, या दिस समर दिस स्प्रिंग नॉट इन दिस विंटर। अगले सोमवार को, मंगलवार को, नेक्स्ट मंडे या ट्यूजडे, अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट ट्यूजडे, अगले सप्ताह में, अगले सप्ताह में नेक्स्ट वीक, अगले महीने में नेक्स्ट मंथ, अगले वर्ष में नेक्स्ट ईयर, लेकिन इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर नहीं लिखेंगे, यानी इन नहीं लगाएंगे। अगले सप्ताह में नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक अगर लिखेंगे तो आप गलत होगा, प्रीपोजिशन इन नहीं लगाएंगे, बस सीधे उसको लिखेंगे नेक्स्ट वीक, अगले महीने नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नेक्स्ट मंथ, और अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर, नॉट इन नेक्स्ट वीक या मंथ या ईयर, यह नहीं लिखेंगे कि इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट ईयर। अगले जाड़े में गर्मी में बसंत में, अगले जाड़े में नेक्स्ट विंटर, अगले गर्मी में नेक्स्ट समर, अगले बसंत में नेक्स्ट स्प्रिंग, नेक्स्ट स्प्रिंग। कल सुबह, आने वाला कल सुबह, कल सुबह हमें या कल दोपहर में, कल शाम में, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह में, वह कल सुबह हमें आएगा ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, वह कल दोपहर में आएगा ही विल कम टुमारो आफ्टरनून, वह कल शाम को आएगा ही विल कम टुमारो इवनिंग। कल बीते हुए यानी जो बीत गया कल, उसके लिए कल सुबह में, कल दोपहर में, कल सुबह में वह आया, ही केम हियर यस्टरडे मॉर्निंग, ही केम हियर यस्टरडे मॉर्निंग, कल वह सुबह में आया, ही केम हियर यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर में आया, और मान ये कहना हो वह कल शाम में आया तो ही केम हियर यस्टरडे इवनिंग, ही केम हियर स्टरडे इवनिंग, कल वह शाम को आया। दिन महीना वर्ष के पहले, मान लीजिए कहना हो 10 दिन के पहले तो 10 डेज एगो, देख रहे हैं डे मंथ ईयर और तब एगो लिखेंगे, 10 डेज एगो, दो महीना पहले 2 मंथ्स एगो, 4 वर्ष पहले 4 इयर्स एगो, है ना, यानी दिन लिखिए, मंथ लिखिए, ईयर लिखिए और तब एगो लिखिए, यानी दिन महीना वर्ष के पहले, 4 वर्ष के पहले 4 इयर्स एगो। दसवां, गत सप्ताह महीना वर्ष
गत सप्ताह या पिछला सप्ताह, पिछला महीना, पिछला वर्ष, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, पिछला हफ्ता यानी गत सप्ताह, लास्ट मंथ, पिछला महीना, लास्ट ईयर, एक दिन सुबह में या एक दिन दोपहर में, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, वन मॉर्निंग, एक दिन दोपहर में, वन आफ्टरनून, नॉट इन वन मॉर्निंग या नॉट इन वन आफ्टरनून, ध्यान देंगे, एक सुबह, वन मॉर्निंग, वन आफ्टरनून, बारहवां सोमवार मंगलवार को ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे, सोमवार को ऑन मंडे, मंगलवार को ऑन ट्यूजडे, सोमवार तक बाय मंडे, मंगलवार तक बाय ट्यूजडे, यानी को के लिए ऑन लगाया और तक के लिए बाय लगाया, पहली जनवरी को ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी, पहली जनवरी तक बाय फर्स्ट ऑफ जनवरी, दूसरी मई तक बाय सेकेंड ऑफ द मे, बाय सेकेंड ऑफ द मे, जनवरी में, फरवरी में, इन जनवरी इन फरवरी, जनवरी में इन जनवरी, फरवरी में इन फरवरी, सुबह में, शाम में, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, पहली मई को सुबह में ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट मे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट मे, पहली मई के सुबह में, नॉट इन ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, सत्रहवां सोमवार की सुबह में ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह में, इस तरह से देख रहे हैं कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स जो है, शब्द है, उनके प्रयोग के अंतर्गत ट्रांसलेशन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू।